अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4, हिस्ट्री, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं वीडियो के ज़रिए। आपका जो थर्ड टर्म लेसन है, इसके लिए हम थोड़ा टिप्स आपको बताएंगे। जो हिस्ट्री में दिया है ये लेसन, हम आपको बताएंगे कि इस लेसन में क्या कुछ बयान है, क्या कुछ हमने करना है, किसके बारे में हमने बात करनी है और कौन सी हिस्ट्री है, किसके लिए है। द ऑब्जेक्टिव इज द फॉरेस्ट लिविंग पीपल डिड नॉट लाइक द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल। क्योंकि आपको पता है, जब ब्रिटिश कंट्रोल था, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का रूल था, ये उसी वक्त की बात है, एंड इंट्रूशन ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये नहीं चाहते थे कि हमारा कोई किसी का मुदाखलत हो जाए, यानी कॉलोनियल रूल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका फॉरेस्ट लिविंग पीपल के लिए बहुत ही बड़ा बुरा साबित हुआ और इनके लिए गलत भी हुआ, और ये इनके लिए अच्छा नहीं था। क्यों? दे ऑब्जेक्टेड, ये लोग ऑब्जेक्ट करते थे। क्यों? देयर पेनिट्रेशन इन देयर फॉरेस्ट, के दूसरों का मुदाखलत फॉरेस्ट लाइफ में, जो फॉरेस्ट लाइफ उनकी थी। फॉरेस्ट लाइफ मीन्स कि उनका जो अपना इतिहास था फॉरेस्ट लाइफ में, जिंदगी फॉरेस्ट लाइफ में गुजारना, फॉरेस्ट के आसपास जो इनका रहन सहन लाइफ स्टाइल था, एंड देयर लाइवलीहुड, जो उसी फॉरेस्ट पे उनका लाइवलीहुड जो था मुनहसर था, एंड इकॉनमी यानी रोजगार के अभी उस उनका उन्हीं पे उसी जंगलात पे मुनहसर था। क्योंकि ये लोग पिछड़े हुए लोग थे और फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे। ये हम उस वक्त की बात करेंगे जब कॉलोनियल रूल का जमाना हुआ करता था। दे इंटरवेंशन ऑफ मनी लेंडर्स, और उन्होंने इस बात के लिए भी खिलाफ हो गए, इसके लिए भी इंटरवेन किया कि जो अंग्रेजों ने, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने मनी लेंडर्स इसमें घुसाए रखे, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स एंड मिडल मैन, इट वाज अ हॉट डिसरप्टेड द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ दिस पीपल। यानी इनके लिए ये कल्चरली इकोनॉमी इस सिस्टम में इनके लिए बरखिलाफ हो गया, यानी इनका रहन सहन उसका इससे मुतासिर होने लगा, इनका रोजगार खासकर जो इनका लाइफ था उसमें इसका बहुत रोल है। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक एम जो इस कॉलोनियल पीरियड में हमने देखा, कॉलोनियल पीरियड में कि किन किन लोगों को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ऐसे जो सोसाइटीज थे उस वक्त फॉरेस्ट एरियाज में, उनका क्या असर हुआ इससे कॉलोनियल रूल से, वो हम देखते हैं। जैसे शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हुआ करते थे ये फॉरेस्ट वाले, एंड उनसे इससे क्या हो गया उनको कि कॉलोनियल रूलर्स डिसाइडेड टू बैन किया ये, क्या कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन एज इट मेड हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। क्योंकि गवर्नमेंट को यह हार्डर हुआ करता था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टैक्सेस इनका, तो इसलिए ये भी एक बैन हुआ इनका शिफ्टिंग कल्टिवेशन का। और दूसरी बात, नोमैडिक एंड पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज, उनको भी ऐसा असर हुआ, जो नोमैडिक कम्युनिटीज थी, पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज थी, उनको भी इस ब्रिटिश रूल, इस कॉलोनियल रूल का असर पड़ा उस वक्त। क्या हुआ? बिकॉज फॉरेस्ट वेयर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व, फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया, बहुत सारे फॉरेस्ट जो थे हिंदुस्तान में उनको रिजर्व किया गया, एंड सम अदर प्रोटेक्टेड, और कुछ को बचाया गया, कुछ को बंद रखा गया। दिस लिमिटेशन लिमिटेड द एक्सेस टू द फॉरेस्ट, इस तरह से उनकी लिमिटेशन हो गई फॉरेस्ट के इर्द गिर्द, फॉरेस्ट के साथ या फॉरेस्ट के मुंसलिम कारोबार या वगैरह जीना। इन दिस वे, इस तरह से दीज पीपल वर नॉट एबल टू ग्रेज दियर हर्ड्स इन फॉरेस्ट। सबसे बड़ा असर जो उनका माल मवेशी हुआ करता है
उनका ग्रेजिंग जो होता है वो फॉरेस्ट एरिया ही पे मुनसिर होता है। ये इसका इस पर बहुत असर हुआ क्योंकि दे रिजर्व में, जैसे मैंने पहले ही कहा, डिक्लेयर्ड एज रिजर्व, उनको जाना नहीं दिया गया, दे वर बैन और उसको बैन किया गया। दूसरी बात, तीसरी, इफेक्ट्स ऑन फर्म्स एंड ट्रेडिंग इन टिम्बर प्रोड्यूस। जो बाकी फर्म्स थे या ट्रेडिंग टिम्बर जो इस टिम्बर से काम करते थे, उसके खिलाफ ब्रिटिश वालों ने इनेक्टेड रूल्स फॉर फॉरेस्ट रिजर्वेशन, फॉरेस्ट, उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व किया बाय पासिंग द फॉरेस्ट लॉज इन 1856। लॉज पास किए गए कि 1865 में कि कोई भी जो वो कहीं से कोई सोसाइटी वहाँ से टिम्बर भी लाते थे, लकड़ी लाते थे या जलाने के लिए लाते थे या कुछ उस पर काम करते थे तजारत के लिए, कुछ उस पर काम इमारती लकड़ी जो थी उसके उस पर कुछ बनाते थे, उसका भी बैन हुआ क्योंकि उन्होंने उसको फॉरेस्ट लॉ बनाया। तो इसका भी उन पर उनकी माशी ज़िंदगी पर बहुत असर हुआ, जैसे मैंने बताया। फोर्थली क्या हुआ कि इफेक्ट्स ऑन प्लांटेशन, जो प्लांटेशन ये करते थे, प्लांटेशन ओनर्स हुआ करते थे, जिन्होंने प्लांटेशन किया हुआ था फॉरेस्ट के इर्द गिर्द, जो ज़मीन होती है जिसका जो थोड़ा बहुत जो प्लांटेशन के काबिल होती है, उसके ओनर्स जो बने थे, उनका कंसेप्ट असली एग्रीकल्चर वालों को इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से ही मिला था। और अब ये लोग भी इसी पे मुनहसर थे, ये कुछ उस पे काश्त करते थे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए गए कि प्लांटेशन को इनके लिए नहीं रखा गया, बल्कि बाय कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट्स ऑफ द यूरोपियंस, यूरोपियंस को उसके लिए सहूलियात फैसिलिटी मुहैसर की गई, लेकिन जो ये पिछड़े जात के कम्युनिटीज थे ये जंगल के आसपास जो, उनके लिए ये रिजर्व रखा, बैन किया गया और उनको वहाँ थोड़ा लिमिटेशंस रखे गए। इस तरह से हमने देखा कि जो ये फॉरेस्ट लाइफ है, जो ये फॉरेस्ट की जो सोसाइटी है और कॉलोनियल रूल में, इनका बहुत बुरा असर माशी तौर पड़ा उस वक़्त। और हम आगे देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमीज इनकी थी, इनका जो माशी हालात थे, किस तरह से खराब हुए, किस तरह से बद से बदतर हुए, वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम।